मोहम्मद अल जिना की किताब माय ब्रदर जो है ना फातिमा जिना की, वो पढ़ें। फातिमा जिना ने कहा कि उनको टर्मिनल ट्यूबरक्लोसिस थी उस वक्त, जो उस वक्त डॉक्टर था वो गोरा था। तो फातिमा जिना ने कहा कि जा क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारी अपॉइंटमेंट्स पेंडिंग है, इतना तो नहीं कुछ चलेगा। ही सेड नहीं, मैं नहीं जा रहा। देन ही स्टार्टेड कॉफिंग ब्लड। तो फातिमा जिना ने खुद लिखा हुआ है, देखें अंदर का मौलवी जागा है फातिमा का, एंड शी सेड तू जान के नहीं जाएगा तो तू दोजख में जाएगा, क्योंकि तू फिर खुदकुशी कर रहा है। और मोहम्मद अल जिना ने क्या कहा कि मैं अपने अल्लाह से कह दूंगा कि 9 करोड़ बंदे बचाने के लिए एक बंदा मारा है मैंने, क्योंकि अगर इस गोरे को पता चल गया ना मुझे टर्मिनल ट्यूबरक्लोसिस है तो ये अपना डिसीजन डिले कर देंगे। अभी इस सेशन की फौरन बाद गूगल कीजिएगा लॉर्ड माउंटबेटन की टेस्टिमनी, ही हिमसेल्फ ऑन रिकॉर्ड सेड, अभी भी है कि अगर मुझे पता होता, इफ आई हैड नोन कि जिना इज टर्मिनली इल, आई वुड हैव डिलेड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान 10 years। मैं 10 साल तक वेट कर सकता था कि ये मर जाए, क्योंकि इसके मरने के बाद नहीं बनता। तो जब आपका पर्पस बड़ा हो जाता है ना तो आपकी लाइफ छोटी हो जाती है, आपकी लाइफ की कोई कदर नहीं होती आपको। इफ यू आर आउटबाउंड एंड डूइंग इट फॉर पीपल देन यू योरसेल्फ डोंट मैटर, फिर डिप्रेशन नहीं होती आपको बीमारियों से, फिर आप खुद जाते हैं कि सबसे पहले तो मैं वो फ्यूल बनूंगा कि जो गाड़ी को आगे लेके जाएगा। इफ यू हैव अ पर्पस व्हिच इज इन दिस लाइफ, सॉरी कहानी खत्म है आपकी। यू आर द यू नो बाउंड टू बी डिप्रेस्ड, यू गोइंग टूवर्ड्स ए जर्नी ऑफ डूम्स डे ओनली। अगर आपका पर्पस आउटबाउंड है, लोगों के लिए है, लोगों के खुला है। नबी अस्सलाम ने कहा मुझे एक उम्मत की कसरत पे फख्र होगा। इसका मतलब क्या था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाओ उधर। देखो इसका ये मतलब नहीं है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। हमें हर मौलवी सुनाता है, हाँ मौलवी साहब ने हदीस सुनाई है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादियां करो, नबी अस्सलाम ने कहा है कि हदीस यही है, ठीक है। एंड नबी अस्सलाम की हदीस को कैसे इन्होंने कैसे मुकय्यद किया है, नबी अस्सलाम ने पर्पस ऑफ लाइफ बताया इंसान का कि मुझे वहां पे उम्मत की कसरत चाहिए कि दिस इज द मैन हु ब्रॉट मोस्ट ऑफ द पीपल टू अल्लाह। मैं ना बिल्की सीधी के साथ एक तरह बैठा हुआ था, एंड आई सेड उनको अम्मी कहते हैं ना सारे उनके मिशन वाले, तो आई सेड अम्मी कितने पैसे चाहिए मेरे पास, डोनर्स हैं। शी सेड के कब देना है, एंड आई सेड इसी मंथ। शी सेड 17 लाख रुपए चाहिए। इतना आसान होता है आपको पता चल जाए ना कि पर्पस क्या है तो आपको पैसे की जरूरत पता चल जाती है, वरना मुझसे कोई पूछे ना कितने पैसे चाहिए तो मैं 10 करोड़ ही मांगूंगा। सही बात कि देने आया बंदा तो सब कुछ दे। शी सेड 17 लाख है ना सर, उसके बाद शी सेड उससे पहले तू देता रहा, उसके बाद भी अल्लाह ताला देंगे। मैं जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं कभी भी मांगूंगी। 25,000 बच्चों की माँ है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी है कोई इस बारे में आर्टिकल नहीं लिखता या टाइम मैगजीन के कवर पे नहीं आती हो, 25,000 बच्चे पाल रही हो। ये वो पाकिस्तानी मुसलमान है जो अपना बच्चा कूड़े में फेंक जाते हैं तो वो उठाती है कि कूड़े में कुत्ते खा रहे थे बच्चे कराची में, आपको पता है ये हालात है मुसलमानों के, और वो पाल लेते कि यार खुदा का वास्ता कूड़े में तो ना फेंको बच्चा, इंसान का बच्चा फेंक रहे हो। कि जिस बंदे का पर्पस क्लियर होता है वो पैसों के लिए नहीं कर रहा होता, पैसे उसके इस्तेमाल में आ रहे होते हैं, पैसे उसका मकसद नहीं बनता। जब बड़ा मकसद बनाएंगे तो पैसे की वैल्यू पता चलेगी आपको। अगर मकसद ही नहीं है तो खुदा की कसम पैसे से वैल्यूएबल कोई चीज नहीं है, फिर पैसा ही बनाए, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं है। जिसको यही नहीं पता इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा है, वो लाहौर के पहले हर स्टेशन के ऊपर एंजॉयमेंट के लिए रुक जाएगा। जब उसको पता है लाहौर जा रहा है तो किसी भी जगह पे 5 मिनट से ऊपर कहेगा सर स्ट्रेस हो रही है, मैंने मुझे पता है मैंने कहां जाना है। व्हाई आर यू एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑन द मोटरवे, बिकॉज ही नोज ही इज गोइंग टू लाहौर। एनी एंड एवरीथिंग विल बी अ डिस्ट्रैक्शन नॉट एन अट्रैक्शन। अगर आपको पर्पज नहीं क्लियर तो आपकी हर चीज अट्रैक्शन है, हर डिस्ट्रैक्शन भी आपकी अट्रैक्शन है। इसलिए हर बच्चा, हर वीडियो, हर मूवी, हर स्पोर्ट्स, रोनाल्डो को भी पता, टॉम क्रूज को भी पता, उसको आइंस्टाइन को भी पता, उसको न्यूटन को भी पता, उसको इस्लाम को भी पता, उसने बिरयानी बना ली हुई है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि हायाकी में उसने खुद कहां जाना है। नो वन इज अ फोटो कॉपी ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिलॉसफी, नो वन, एंड एवरीवन इज वेयरिंग अ रोनाल्डो टी-शर्ट। सोचें सही, हर बंदा रोनाल्डो मेसी की कॉपी कर रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी एक बंदा भी नहीं कर रहा। इसका मतलब लाहौर हमारा स्टेशन नहीं है, हमारा स्टेशन कहीं और है और उसके रास्ते में बहुत मजे हैं खुदा की कसम। एक ही हदीस है जो कि मैं आपको वहां से एंड करता हूं। मैं जो पहली हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, जब कायनात नहीं बनी थी तो अल्लाह ताला ने सिर्फ जिब्राइल अमीन को बनाया और उसे कहा कि जाके देख मैंने जन्नत और दोज़ख बनाई है। जन्नत के देखने के बाद जिब्राइल अमीन ने अल्लाह ताला से कहा कि इधर कौन नहीं आना चाहेगा,
और ताला ने कहा कि इसका रास्ता देखो। जब जिब्राइल अमीन ने रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह इधर कौन आ सकता है अब, हु इज गोइंग टू कम टू हेवन, बिकॉज इसका रास्ता इतना कठिन है। और फिर दोजख देखी तो अल्लाह ताला से कहा या अल्लाह इधर कौन आना चाहेगा, ये क्या जगह है कि जहां पर कोई इंसान ऐसा भी इधर आना चाहेगा। अल्लाह ताला ने कहा इसका रास्ता देख, रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से जिब्राइल अमीन ने कहा कि या अल्लाह इधर से कौन बच सकता है। ऐसी ऐसी अय्याशी, ऐसी ऐसी डिल्यूजन, ऐसी ऐसी स्लिपरी मामलात, इतनी ज्यादा मजे इसके रास्ते में, क्यों कोई कैसे कैसे कोई बचेगा इधर से। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट सेट्स द पर्पस ऑफ एवरी मुस्लिम। हर बच्चे को इस हदीस से परवरिश शुरू करें कि असल में कहानी क्या है, और तब पता चलेगा कि बच्चे को पता चलेगा, करोड़ों की बात कर रहे हो, रुक जाओ, इसका इस्तेमाल तो बताओ मुझे, अगर मेरा इसका इस्तेमाल ही कोई नहीं है तो मैं क्या करूंगा इस बोझ को।